हाँ, लेट्स कंटिन्यू। गए कि लास्ट टाइम अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम्स, उसके बाद और एक ऑर्गेनेल रहता है प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड प्लास्टिड, और वी कैन से प्लास्टिड्स। दिस प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय हैक, इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैकल, हैकल ने इसको डिस्कवर किया। सिंस इट इज प्रेजेंट ओनली इन इन प्लांट सेल्स, दिस प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स बट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड जो है ये एब्सेंट रहता है एनिमल सेल्स में, बट इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई हैकल इन 1866। 1866, क्योंकि जो प्लास्टिड है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहता है एंड इट इज एबसेंट इन एनिमल सेल्स, सो दिस अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लास्ट टाइम वी डिस्कस दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल बट इज एबसेंट इन एनिमल सेल्स, सेम इज केस हियर, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट इज एबसेंट इन द एनिमल सेल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्योंकि इसमें और एक अहम चीज रहता है, इट हैज गॉट इट्स ओन डीएनए, इसमें खुद का डीएनए रहता है, एज एज यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव आल्सो इट्स ओन डीएनए। प्लास्टिक जो है दीज आर थ्री टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट्स नंबर वन, लीकोप्लास्ट्स लीकोप्लास्ट्स क्रोमोप्लास्ट्स लीकोप्लास्ट्स एंड वन मोर इंपॉर्टेंट दैट इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट, इसका तो नाम सुना ही होगा। सो इट हैज गॉट थ्री टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट्स है, देन इज लीकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। दीज क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन के बगैर, ग्रीन कलर के बगैर जो प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स रहते हैं दीज आर क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट वी कैन से दीज आर प्लास्टिड्स, बट कलर कलर्ड प्लास्टिड्स है ये एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन जो होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन इज दिस द ग्रीन प्लास्टिड जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, एंड कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड लीकोप्लास्ट, कलरलेस दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच आर कॉल्ड लीकोप्लास्ट, एंड कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, एंड कलर्ड वन दैट इंक्लूड्स ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्टिड्स। सो दीज क्रोमोप्लास्ट्स गिव कलर टू द फ्लावर्स। सी वो क्या हमने देख लिए हैं कि फ्लावर्स में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं इट इज ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट, सो वी कैन से दैट दीज इम्पार्ट कलर टू द फ्लावर्स। फ्लावर्स में जो अपने फ्लावर्स में देखे हैं पिंक देखे हैं रेड देखे हैं या और सारे कलर्स देखे हैं, येलो देखे हैं कलर्स देखे हैं फ्लावर्स में, एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट विच गिवस कलर्ड अपेरेंस टू द फ्लावर्स, सो दैट दीज बिकम क्वाइट अट्रैक्टिव एंड दिस हेल्प्स इन पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर। क्योंकि जो कलर कलर्स का कलर जो रहता है फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स, वो एक अहम रोल रहता है उनका पोलिनेशन में। सो द कलर विच इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स एक्सेप्ट ग्रीन, सो दिस इज दिस दिस आर दिस इज प्रेजेंट टू दीज क्रोमोप्लास्ट। एंड लीकोप्लास्ट हैं दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स, इनका काम रहता है दीज ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसेंस, माइंड इट, क्रोमोप्लास्ट ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसेंस, फोटोसेंस में भी उनका रोल रहता है। लीकोप्लास्ट को इनकी जो अहम फंक्शन है इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ, इट हेल्प्स इन स्टोरेज स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स है, लिपिड्स एक्स्ट्रा है, गोया कि इनका अहम फंक्शन जो है दैट इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देन इज क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक अहम सेल ऑर्गेनेल है. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस क्लोरोप्लास्ट. हाँ वंस अगेन आई विल रिवाइज इट. जो ये प्लास्टिड्स रहते हैं, प्लास्टिड्स इनकी तीन किस्में, इसकी तीन किस्में हैं. वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड देयर इज क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट गिव्स डिफरेंट कलर्ड कलर टू द फ्लावर्स और प्लांट्स एक्सेप्ट ग्रीन. ग्रीन जो है दैट इज इट इज क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट. दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स. ओके दिस वॉज दिस. नाउ वी डिस्कस क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लीवेनहुक. लीवेनहुक हाँ लीवेनहुक जो है इसी ने इसको पहले देखा है. ये इसका जो साइज रहता है इट इज 4 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. क्लोरोप्लास्ट जो है दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई लीवेनहुक एंड इट्स साइज इज इन बिटवीन 4 to 10 माइक्रॉन्स एंड यूजली दीज आर प्रेजेंट अराउंड 20 to 40 पर सेल. पर सेल हर एक सेल में एवरेजिन इसका जो नंबर रहता है दैट्स अराउंड 20 to 40 पर सेल. हाँ और सम इन सम इन सम सेल्स इट इज अराउंड 500 up to 500. किसी सेल्स में ये 500 भी मौजूद रहते हैं. गोया कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है सेल में बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट इज फोटोसेंस. इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो है फंक्शन में हम या स्ट्रक्चर में हम ये है इसका कि इसकी जो है आउटर मेम्ब्रेन रहती है. इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट जो है इट हैज गॉट इट्स ओन मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन रहती है इसकी एंड इट हैज आल्सो गॉट इनर मेम्ब्रेन. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है. सो वी कैन से दैट इट हैज गॉट टू मेम्ब्रेन्स इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. आउटर इनर मेम्ब्रेन है. माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ा दे है. माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन रहती है. गोइक इसमें भी इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन रहती है. इस इनर मेम्ब्रेन में फिर इनफोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. इनफोल्ड्स रहते हैं जो लेटर विच लेटर बिकम लेमिला. गोया कि हम इसको ऐसे कर लिख लेंगे. गोया कि इस इनर मेम्ब्रेन से इनफोल्ड्स जो होते हैं, इनफोल्ड्स जो इसमें होते हैं, पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. देन ये है हाँ इसका हम कलर भी कर लेंगे थोड़ा सा सो दैट इट बिकम प्रोमिनेंट. क्या होता है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन रहती है इसमें. मैंने पहले ही बताया इट हैज गॉट इट्स ओन डीएनए. दिस पोर्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स. इसमें मैट्रिक्स कहते हैं उसको. दिस मैट्रिक्स हाँ मैट्रिक्स. दिस इज द डीएनए डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है. मैट्रिक्स है. दीज आर कॉल्ड दिस पाइल्स. दीज पाइल्स आर कॉल्ड ग्रेना. ग्रेना दिस सिंगल स्ट्रक्चर अगर हम इसका लेंगे ये वाला दिस कॉल्ड थैलाकॉइड. थैलाकॉइड की अपनी मेम्ब्रेन रहती है. दैट इज कॉल्ड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. एंड माइंड इट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन
These contain some pigments. They are called chlorophyll. Chlorophyll A रहता है, chlorophyll B रहता है, etc. Chlorophylls. हाँ, thylakoid membrane जो होती हैं, इसी में रहते हैं chlorophyll A, chlorophyll B, but what we called green pigments, chlorophyll A या chlorophyll B क्या होता है? Inner membrane जो होती हैं, inner membrane में infolds होते हैं. पहले पहले infolds होते हैं. ये infold फिर अलग detach होते हैं. From this inner membrane, these infolds gets detached. ये अलग हो जाते हैं. इनको हम कहते हैं फिर lamella. जब ये अलग हो जाते हैं, they are called lamella. गौर कि जब ये attached रहते हैं, so these infolds जो होते हैं, जो जो बाद में ये जो unfold, sorry ये detach होते हैं. Detach होने के बाद ये अलग से रहते हैं. दिस कॉल्ड सिंगल हम कहेंगे थैलाकॉइड. फिर थैलाकॉइड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फॉर्म्स अ पाइल लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट वी कॉल्ड ग्रेना. हाँ, थैलाकॉइड में हमें अभी बताया कि इसमें एक अलग मेम्ब्रेन रहते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी रहता है. दिस मीन्स दिस, क्योंकि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल जो होते हैं, इन्हीं की वजह से फोटोसेंस होता है. गोए की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या थैलाकॉइड में हम कह सकते हैं, थैलाकॉइड में ये फोटोसेंस होती है. सो वंस अगेन, दिस हैज गॉट इट्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. दिस इनर मेम्ब्रेन कंटेन इनफोल्ड्स व्हिच लेटर बिकम फ्री एंड आर कॉल्ड लेमिला. जब ये इनफोल्ड अलग होते हैं, दो सॉरी जो ये इनफोल्ड होते हैं, फिर ये वहां से इनर मेम्ब्रेन से डिटैच होते हैं, तो उनको हम कहते हैं, डिटैच होकर हम कहते हैं लेमिला. दिस लेमिला जो होते हैं, यूजुअली दे फॉर्म, दीज लेमिला फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. जो ये लेमिला होते हैं, दे आफ्टर सेपरेशन दे फॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर कॉल्ड थैलाकॉइड्स, विच आर यूजुअली फ्लैटनड सैक्स कॉल्ड दीज थैलाकॉइड्स. दीज थैलाकॉइड्स फॉर्म पाइल्स. दे आर कॉल्ड ग्रेना. दे आर कॉल्ड ग्रेना. लेमिला इनर मेम्ब्रेन से अलग होते हैं, दे फॉर्म sac-like flattened sac-like structures called thylakoid, thylakoid forms piles called grana, and this thylakoid membrane contain chlorophyll A and chlorophyll B. So this is the thylakoid membrane or thylakoid where photosynthesis is performed. So these also contain, this matrix contain ribosomes. इसमें रहते हैं ribosomes. इसमें रहता है. It contains some proteins, etc. आयंस रहते हैं इसमें, और बहुत सारे वाटर रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, लिपिड्स भी रहते हैं इसमें. एंड इट कंटेन आयंस लाइक आयरन है, मैग्नीशियम है. कंटेन आयरन, मैग्नीशियम है, एट्सेट्रा. सो दिस द क्लोरोप्लास्ट. उसके बाद है फंक्शन. क्लोरोप्लास्ट जो है, और क्लोरो वी कैन से व्हिच कंटेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स दैट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट की जो फंक्शन रहती है, इट हेल्प्स इन फोटोसेंस. एक अहम काम है फोटोसेंस. फोटोसेंस क्या है? व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सनलाइट की मदद से जब प्लांट्स जब अपना गुजर तैयार करते हैं, दैट्स कॉल्ड फोटोसेंस. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स कॉल्ड फोटोसेंस. उसमें एक अहम रोल रहता है क्लोरोप्लास्ट का. उसमें क्या है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. एब्जॉर्प्शन जो होती है सनलाइट की, वो इन्हीं की वजह से होती है. दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन और फोटोलिस ऑफ वाटर. वो तो अलग अलग टॉपिक है. सो वी कैन से दैट क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसेंस. वो एक अहम फंक्शन है. और क्या रहता है? इट गिव्स कलर टू, ये कलर भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. ग्रीन ग्रीन प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स. लीव्स का जो ग्रीन कलर रहता है, इट इज ड्यू टू दिस क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की वजह से. एंड इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च.
स्टार जो होता है उनकी स्टोरेज क्लोरोप्लास्ट में होती है. सो इट हेल्प्स इन स्टारेज स्टार स्टोरेज ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड इट हेल्प्स इन फोटोसेंस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड मेन फंक्शन ऑफ दीज क्लोरोप्लास्ट्स. सो दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. थैंक यू.